हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। क्लास फोर हिंदी रीडर बुक से हम लोग पिछले क्लास में एक कविता पढ़ी थी। उस कविता का नाम था ऊंचा सदा रहेगा। यहाँ आपको आपके सामने है बुक। इस कविता को हम पिछले क्लास में पूरी तरह से पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। उसके साथ साथ हम इसके शब्दार्थ भी कर चुके थे। बच्चों, आपको पीडीएफ में भेज दिया गया था, इसको आपको पूरा कॉपी में लिखना है। इनसाइड से कुछ तुकान शब्द भी दिए थे और वाक्य बनाओ, आपको खुद से करना था, आप कर चुके होंगे। अब आज का क्लास शुरू करते हैं। इनसाइड से दिए गए पंक्तियों के खाली स्थान भरो। इस पंक्तियों में कुछ स्थान ब्लैंक है, यहाँ पे आप मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपको भरना है। एग्जाम में जब पूछा जाएगा यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, इस स्थान को आपको भरना है। ये स्थान, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये आपके कविता से ही लिया गया है। देखिए लास्ट 8 लाइन में से, नहीं चाहते इस दुनिया में अपना राज्य जमाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की रोटी खा जाना। ये जो 8 लाइन है, इसी में फिल इन द ब्लैंक्स बनाया गया है, इसी का यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो यह क्वेश्चन आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, हिंदी कॉपी में, और पूरी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 2, बोधात्मक और विचारात्मक प्रश्न। पहले हम बुक में देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे झंडे के 3 रंग कौन कौन है और वे रंग किन बातों के सूचक है। आंसर हम देखेंगे। हमारे झंडे के 3 रंग केसरिया, सादा और हरा है। वे रंग बल, सच्चाई और हरी भरी धरती के सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे झंडे में बना चक्र क्या बताता है। उत्तर में है, हमारे झंडे में बना चक्र यह बताता है कि हमारे कदम कभी रुकना नहीं चाहिए और हमें हमेशा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वे पंक्तियां लिखो जिनमें हमारे झंडे का संदेश व्यक्त हुआ है। बुक से लेना है लास्ट स्टैंजा। देखिए यहां है, वे पंक्तियां इस प्रकार है, ये जो पंक्तियां हैं ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको लिख लेना है। यही आपको आपको संदेश दिया गया है कि है आज़ाद हिंद, यस दुनिया को आज़ाद करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस झंडा गीत का सारांश लिखो। कवि श्री राम दयाल पांडे जी ने के द्वारा लिखी गई इस झंडा गीत का सारांश यह है कि हिंदुस्तान, मतलब हमारे भारत देश को कहा गया है भारत देश, भारत देश का प्यारा झंडा हमारा ऊंचा रहेगा, हमेशा ऊंचा रहेगा, तूफानों और बादलों से भी नहीं झुकेगा। कोई उनको, कोई हमारे झंडा को झुका नहीं सकेगा, हमेशा वह आसमान में लहराता रहेगा। बल, सच्चाई और हरियाली को हमेशा अपनाना चाहिए। झंडे का जो 3 रंग है ना, केसरिया यहाँ है, केसरिया, सादा और हरी रंग जो है वो हमें क्या दिखाती है, बल, सच्चाई और हरियाला, हरियाली को हमेशा अपनाना चाहिए।
यह हमारा, ये नेक्स्ट पेज में भी है कंटिन्यू, राष्ट्र झंडा ही है हमारी शान और अरमान है, हमारे राष्ट्र झंडा ही हमारे शान है तथा सत्य और न्याय को ही अपनाना चाहिए। ये हो गया। अब किताब में देखते हैं, किताब में ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये कैंसिल कर दिया गया है। नंबर यहाँ पेज नंबर 2 यहाँ पे देखिए, भाषा और व्याकरण, रिक्त स्थानों में उचित शब्दों भरिए। क में डैश रंग डैश हर धरती, क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, हरा रंग हरी धरती। ख में है डैश दुनिया डैश संसार, हमारी दुनिया और हमारा संसार, ये क्लास और कॉपी में आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 ऊंचा सदा रहेगा में, प्रश्न 1 में क्या है, कविता ऊंचा सदा रहेगा के प्रथम 10 पंक्तियां लिखो कवि के नाम के साथ। आपको मालूम है आपको लिखना है। इस बुक का इमेज हम आपको पहले ही भेज चुके थे। इस बुक में जो कविता लिखा गया है इसमें से प्रथम 10 पंक्तियां, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ तक आपको लिखना है होमवर्क में, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। अगले दिन में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।